नसरीन, 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 नसरीन। नसरीन, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मैंने सुधीर से फारूक साहब के मकान बेचने की बात कही। उसने अपने पापा से इस बात का जिक्र किया और जानती हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? सुधीर के पापा ने फारूक साहब को समझाया और फारूक साहब ने मकान बेचने का इरादा बदल दिया। सच? 100% सच। सुधीर के डैडी ने जब मुझे फोन करके बताया ना, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं सारे काम छोड़कर भागा भागा तुम्हारे पास चला आया हूं, ये सोचकर कि ये खबर सुनकर तुम बहुत खुश होगी। मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हैं ना। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। यकीन मानो नसरीन, मैं जानबूझकर कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन लगता है कि आम लोगों की तरह मैं भी एक कमजोर इंसान हूं। परेशानियां और मुसीबतें सामने आती हैं तो शायद मुझे गुस्सा आ जाता है। कहते हैं गुस्सा इंसान अपनों पर ही निकालता है, और मुझसे ज्यादा अपना आपका कोई नहीं। ताना मार रही हो या सच कह रहे हो? तभी तो मेरी बात पे यकीन क्या कीजिए। आज सुबह मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया ना? अपना समझकर।